आभूषण भक्ति हूँ, मैं पुजारियों के हृदय का आभूषण पूजा हूँ। विचलित शुक्राचार्य शिव कृपा पाकर धन्य होते हैं। तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मैं दानव शुक्राचार्य का परामर्श स्वीकार करता है। अतिथि की भक्ति की शक्ति के सामने एक बार पुनः तिथि परास्त होती है। खेल के मध्य देवी अदिति का स्वर सुनकर श्री गणेश उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देते हैं। श्री गणेश का पक्ष लेते हुए देवी पार्वती महादेव से वाद विवाद करती हैं। अपने पुत्र सूर्य देव की सहायता से कश्यप अदिति को खोजने में सफल होते हैं। माता पार्वती के वचन को पूरा करने के लिए श्री गणेश ने दो अवतार धारण करने का निश्चय किया, जिसे सुनकर नारद चकित हो गए और स्थिति पर विचार करने के लिए स्वयं से ही बातें करने लगे। एक साथ दो दो अवतार? श्री गणेश की यह विचित्र बात संभव कैसे हो सकती है? नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्णावतार हैं, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश के इस विचित्र कथन ने नारद को कितना अधिक विचलित कर दिया है। नारायण नारायण। श्री गणेश के इस विचित्र कथन के रहस्य को जानना ही होगा। भोलेनाथ से पूछो। नारद, भोलेनाथ से पूछना अनुचित होगा। इसका रहस्य तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। हाँ, नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया अपने ध्यान को तनिक विराम दें स्वामी। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। तुम्हारा ब्रह्मलोक आना व्यर्थ हुआ नारद। नारायण नारायण, ऐसा क्यों कह रही हैं माता आप? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे परमपिता किसी गहरे ध्यान में लीन हैं। मेरे पुकारने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी न किसी रहस्य को जानने के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आए हो। परंतु नारद, अब तुम्हें यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ेगा। नारायण नारायण। नहीं नहीं माता, मैं यहाँ किसी रहस्य को जानने के लिए नहीं, अपितु आपके और परम पिता के परम पावन दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दर्शनों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो मैं पुनः अपने ध्यान में लीन हो जाऊं। परम पिता, इस प्रकार मुझसे विनोद ना करें। और तुम्हारा सत्य वचन ध्यान में लीन रहकर सुनते रहें। नारायण नारायण। परम पिता, यह सत्य है कि जिज्ञासा की अभिलाषा में यह नारद सदैव भटकता रहता है, किंतु उसके भटकावों में शुभ शक्तियों के परम पावन दर्शनों की अभिलाषा प्रमुख होती है। किंतु इस समय तुम जिस प्रमुख रहस्य को जानने ब्रह्मलोक आए हो, उसे क्यों नहीं कहते? हम जानते हैं नारद कि अब तुम यही कहोगे कि हमसे संसार का कौन सा रहस्य और किसके मन की बात छुपी है। ब्रह्मदेव, मेरे पुकारने पर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ, परंतु नारद की प्रार्थना पर। उसका कारण मात्र इतना है देवी सरस्वती, कि जो प्रश्न आप पूछना चाहती थीं, वही प्रश्न लेकर नारद भी ब्रह्मलोक उपस्थित हुए हैं। मैं नारद के आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। नारायण नारायण। धन्य हुआ मैं परमपिता, मैं धन्य हुआ। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की प्रतीक्षा करके आपने मुझे धन्य कर दिया। परंतु नारद, इन दिनों तुम्हारा भ्रमण किन्हीं अज्ञात स्थानों पर हो रहा है। अज्ञात स्थान पर? नारायण नारायण परमपिता, मैं किसी भी अज्ञात स्थान पर नहीं जाता। तुम्हारे भाई दक्ष प्रजापति ने
तुम्हें सदा भटकते रहने का श्राप दिया था, परंतु यह उचित नहीं कि तुम उस श्राप का दुरुपयोग करते हुए किसी के भी कक्ष में अदृश्य रूप से प्रकट होकर उनकी बातें सुनो। परमपिता, मैं मानता हूं मुझसे वास्तव में भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर तुमने अपनी नारायण भक्ति का ही परिचय दिया है। एक भक्त को अपने भूल की क्षमा याचना में संकोच नहीं करना चाहिए। परमपिता, जब आपने मुझे क्षमा कर ही दिया है तो उस रहस्य का भी अंत करें जिसे जानने के लिए मैं और माता सरस्वती दोनों व्यग्र हैं। नारद, माता पार्वती के कक्ष में तुमने परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश के मुख से जो कुछ भी सुना है वो परम सत्य है। समय के आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ दो अवतार धारण करेंगे। अर्थात? नारायण नारायण। परमपिता, वे दो अवतार कौन कौन से होंगे? देवी सरस्वती, नारद, श्री गणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मदेव, क्या देवी पार्वती द्वारा निर्मित गजानन गणेश अब अपने पूर्व रूप में नहीं रहेंगे? देवी सरस्वती, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गजानन श्री गणेश का वो रूप तो नित्य सनातन और चिरंतन है। उनके दोनों अवतार भी अग्र पूज्य रहेंगे, कारण वही रूप तो श्री महागणेश की पहचान भी है। स्वामी, श्री महागणेश की कृपा से हिमालय के इस निर्जन वन प्रदेश में हमारी कुटिया और यज्ञ कुंड निर्मित हो गया है। अब हमें श्री महागणेश की आराधना में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ देवी अदिति, श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। उनके जिस रूप ने तुम्हारे मन में उन्हें पुत्र रूप में पाने की पावन भावना प्रेरित की है, उनके उसी रूप की आराधना करनी चाहिए हमें। जो आ गया स्वामी। हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए देवी। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। कृपा करें श्री गणेश, आपने शीघ्र पधारने का आश्वासन दिया था, अब और अधिक विलंब ना करें श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु। दर्शन दे प्रभु। ओम नमः शिवाय। गणपतये नमः। दर्शन दे प्रभु।
दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश, हमारी मनोकामना पूर्ण करे प्रभु, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम पितृ देवाय नमः, ओम मातृ देवाय नमः। माता अदिति, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आपके श्री चरणों की वंदना करने उपस्थित हो गया हूँ। श्री गणेश, आपने कितनी शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी कृतज्ञ रहूंगी। पुत्र के प्रति कहे गए माता के ये शब्द पुत्र को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञ और धन्य तो पुत्र को होना चाहिए माता, क्योंकि माता ही तो पुत्र को जन्म देकर युग युगी शिक्षा और संस्कारों से पूर्ण करती है। तो क्या तुम अब पुत्र के रूप में मुझसे शिक्षा और संस्कार के साथ ही मेरी आज्ञा को मानोगे? माँ में तो समस्त देवताओं का वास होता है। माँ की सेवा करने वाले पुत्र को समस्त तीर्थों के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बालक के लिए तो उसकी माता ही उसका संसार है। इस कारण माता, आपकी आज्ञा मानने से न केवल मेरे सौभाग्य में वृद्धि होगी अपितु मेरे पुण्यों का उदय भी होगा। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारे विचार। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में प्रदान करके जो मुझ पर महान कृपा की है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। देवी अदिति, आपकी महान भावना के कारण ही आज मेरी महागणेश भक्ति सफल हो गई। पुत्र श्री गणेश। श्री गणेश नहीं माता, मोहतकट। मेरे इस अवतार का नाम मोहतकट ही निर्धारित हुआ है। अब आप कहें मोहतकट से क्या कहना चाहती थी? मोहतकट, मोहतकट, कितना सुंदर नाम है, कितना शुभ, कितना पावन। आप कुछ कहने वाली थी माता? हाँ पुत्र महोत्कट, अब तुम इसी रूप में सदा अपनी माता के पास रहना, कहीं जाने की बात ना करना। हाँ पुत्र, उसे लौट कर आना ही होगा। वो गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश ही रहेगा। माता, अनुज गणेश के बिना मेरा मन कैलाश पे लगता ही नहीं है। हर एक पल एक एक युग के समान लगता है। मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम भी गणेश से बहुत प्रेम करते हो। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती, परंतु प्रेम करने वालों को वियोग की अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। गजानन के जाने से अब हमारी अग्नि परीक्षा प्रारंभ हुई है। माता, तुम शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा हो, इस कारण इस प्रेम और वियोग की अग्नि परीक्षा में
आप सरलता से सफल हो सकती है, किंतु मैं नहीं। इस कारण आप शीघ्र ही अनुज गणेश को कैलाश बुलाए। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र। मैं और कुछ देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें माता, किंतु अनुज गणेश को शीघ्र ही बुलाए। तुम अपनी माता का आदर्श ग्रहण क्यों नहीं करते पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। कुमार, तुम्हारे जन्म के पश्चात मुझे तुमसे 10 वर्षों का वियोग अनजान रहकर सहना पड़ा। जब तुम आए तो कुछ क्षणों के लिए भी मैं अपने मातृत्व को संतुष्ट न कर सकी। नियंता की इच्छा के कारण तुम महर्षि अगस्त्य के साथ चले गए। माता, मेरे पश्चात अनुज गणेश भी कैलाश से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और वियोग का हर लेख नियंता ने आपके ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, वियोग कभी दुख नहीं होता। ये तो प्रेम की पहचान कराने वाला एक माध्यम होता है। तुम्हारे और श्री गणेश जैसे पुत्रों को पाकर मैं संसार की सबसे सुखी माँ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय अपनी धैर्य की परीक्षा में अवश्य सफल होगा। मुझे क्षमा करें माता, क्षमा करें। अब ये कुमार अधिक समय तक अपने अनुज प्रिय गणेश से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ करना ही होगा माता। धैर्य रखो पुत्र, समय आने पर मैं अवश्य कुछ करूंगी। अदिति ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरा अपमान किया है। अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को अपनी दैत्य शक्ति से खींचकर यहां लाऊंगी और उस दुष्टा का अपमान खंडित कर दूंगी। पातालवासी, देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक, दैत्य माता दिति की पुकार सुनो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक, क्या तुम दैत्य माता दिति की पुकार की उपेक्षा का दुस्साहस कर रहे हो? यदि अब भी तुमने मेरा आह्वान ना सुना तो परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। प्रकट हो। राम देखिए माता, कौन हो तुम तीनों? मेरी इच्छा के बिना इस यज्ञ कुंड से कैसे प्रकट हुए? हम पातालवासी दैत्यराज देवांतक और नरांतक के सेवक हैं। मैं विरजा हूँ और ये उद्धर और उद्धत हैं। दैत्य माता, हमारे स्वामी दैत्यराज देवांतक और नरांतक ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। दैत्य माता, आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा पालन के लिए उपस्थित हैं। पहले ये बताओ
कि देवांतक और नरांतक हमारी आज्ञा सुनकर स्वयं प्रकट क्यों नहीं हुए? हमारे स्वामियों पर क्रोध न करे दैत्य माता, वे पृथ्वी पर ना प्रकट होने के लिए विवश थे। देवांतक और नरांतक जैसे पराक्रमियों को विवश करने का दुस्साहस किसने किया? दैत्य माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारे स्वामियों को आदेश दिया है कि वे इस समय पाताल से बाहर न जाएं, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या वे दैत्य शक्ति को निर्बल और कायर बना देना चाहते हैं? दैत्य गुरु भविष्य दृष्टा है दैत्य माता, हमारे स्वामियों का भविष्य देखकर। तुम्हारे स्वामियों के प्राण अधिक मूल्यवान हैं, अथवा दैत्य माता दिति का स्वाभिमान? ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के पश्चात मेरे पौत्र तारक के तीनों पुत्र अपने त्रिपुरों में रहने चले गए हैं, उनके साथ मेरी पुत्र वधु वरांगी भी रहने चली गई है। किंतु मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि दैत्य माता की शक्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक। अपने क्रोध को शांत करें दैत्य माता, जो काम हमारे स्वामी कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हाँ दैत्य माता, हम अपने स्वामियों की शक्ति और सिद्धियों से परिपूर्ण हैं। हमारी बात का विश्वास करें दैत्य माता, हम अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं, असुर और दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। हम जल थल और नभ कहीं भी सरलता से जा और आ सकते हैं। आपकी आज्ञा पर हम धरती का हृदय चीर सकते हैं, सागर को मत सकते हैं, आकाश को उलट पुलट कर सकते हैं। हमारी सेवाओं से आप प्रसन्न हो जाएंगी दैत्य माता। परंतु मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपके विश्वास के लिए हम आपको अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हैं दैत्य माता। मेरी छोटी बहन दैत्य जाति की परम शत्रु, देवताओं की माता और मेरी सौत अदिति, मेरे स्वामी कश्यप ऋषि को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। तुम उसे ढूंढो और मुझे सूचित करो, मैं उस दुष्टा को दंडित करके अपने स्वामी को वापस यहाँ लेकर आऊंगी। जो आज्ञा दैत्य माता, मैं उद्धर और उद्धत को अपने साथ ले जाती हूँ। हम तीनों मिलकर आपके हृदय को दुख पहुँचाने वाली उस दुष्टा को अवश्य पकड़ लाएंगे। परंतु विरजा, जिसे हम पहचानते ही नहीं, उसका पता कैसे लगाएंगे? क्यों ना हम दैत्य माता दिति जैसी दिखने वाली सभी स्त्रियों को पकड़ कर लाएं और उन्हें दैत्य माता को दिखाएं, क्योंकि दैत्य माता की बहन तो दैत्य माता जैसी ही होंगी ना। मूर्खों जैसी बातें ना करो। जिस स्थान पर तुम्हें एक सुंदरी एक ऋषि के साथ पूजा पाठ का पाखंड करते दिखाई पड़े, वहां जाओ, धैर्य से उनकी बातें सुनो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वे कौन हैं। फिर उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ, यहाँ।
जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। अब मैं देखती हूँ कि वो दुष्ट अदिति और पाखंडी ऋषि मेरी दृष्टि से कैसे बचते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री गणेश कैलाश से दूर ऋषि कश्यप और देवी अदिति के साथ, और वो भी मुनि कुमार की वेशभूषा में। हे श्री महागणेश, ये आपकी कैसी लीला है? आपके पूर्णावतार श्री गणेश यहां कैसे पहुंच गए? नारद, इस रहस्य का पता तो लगाना ही होगा। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ दो अवतार धारण करेंगे। श्री गणेश आदिति के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण, तब तो मुझे श्री गणेश के महोत्कट अवतार के दर्शन करने ही होंगे। नारायण। क्षमा चाहता हूँ किंतु मैं आपको इस आकाश मार्ग पर पहली बार देख रहा हूँ। कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? हम पातालवासी असुरों का परिचय पूछने वाले, तुम कौन हो? हमारा परिचय जानने से पहले तुम हमें अपना परिचय दो। मेरा परिचय? नारायण नारायण, मेरा तो कोई परिचय है ही नहीं। मैं तो बस यूं ही संसार में भटकता रहता हूँ। परिचय तो आप जैसे महान और पराक्रमियों का होता है। तुम इतने मिष्टभाषी हो सकते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पातालवासी दैत्यराज, नरांतक और देवांतक का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा। हम उन्हीं के सेवक हैं। देवांतक और नरांतक, वे तो महान पराक्रमी हैं। उनकी विध्वंसक शक्ति से ये सारा संसार थरथराता है। किंतु आप उन महान दैत्यों की सेवा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने स्वामियों की इच्छा और दैत्य माता अदिति की आज्ञा से हम उनकी सौत दुष्टा अदिति का पता लगाने निकले हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? देवी अदिति? नहीं, मैं उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा मैं आपकी सहायता अवश्य करता। श्री महागणेश आपका कल्याण करें, मैं चला। नारायण नारायण। के आगमन से आश्रम का वातावरण कितना पावन हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। देवी अदिति, ये क्या? मौतकट को क्या हो गया? क्या सोच रहे हो पुत्र? तुम कुछ कहो अथवा ना कहो मौतकट, किंतु तुम्हारी गंभीरता देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि तुम इस समय यहाँ नहीं हो। मैं शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से यहीं पर हूँ माता, परंतु। परंतु क्या पुत्र? माता, मैं यह सोच रहा हूँ कि इस आश्रम में मेरा कोई बाल सखा नहीं है। कैलाश पर मेरे साथ खेलने वाले बहुत से साथी थे,
स्वयं भैया कार्तिकेय भी मेरे साथ खेलकर मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। मेरी गंभीरता का कारण यही है माता, यदि मुझे मेरे साथ खेलने वाला कोई न मिला तो। नारायण नारायण, प्रणाम देवर्षि नारद। आपने हमारे इस नए आश्रम में आकर हम पर महान कृपा की है। पधारे देवर्षि नारद। ऋषिवर एवं देवी अदिति, आपने श्री गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया, ये देखते ही मैं आपको बधाई देने चला आया। प्रणाम श्री गणेश। बहुत कट अवतार श्री गणेश, क्या आपने मुझ नारद को पहचाना नहीं? देवी अदिति, कृपया आप कुटिया में जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम महोत्कट अवतारी श्री गणेश। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। न जाने श्री गणेश कहाँ चले गए, हमने कैलाश का चप्पा चप्पा छान मारा किंतु वे कहीं न मिले, उनके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम स्वयं श्री गणेश को लेकर चिंतित हैं पुत्र, उनके साथ ही साथ माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। महादेव के अतिरिक्त हमें कोई और नहीं बता सकता कि माता और श्री गणेश कहाँ चले गए हैं। कुमार हमारी सहायता कर सकते थे किंतु वो भी ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए हैं, अब हम क्या करें। गण प्रभु नंदी महाराज, यदि आप इस प्रकार निराश हो जाएंगे तो हम सब क्या करेंगे। तुम सत्य कह रहे हो भृंगी भैया, हमें भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना ही होगा। परंतु कैसे, वे तो इस समय ध्यान मग्न है। ध्यान में लीन रहते हुए भी उन्हें सारे संसार की सूचना रहती है, वे अवश्य हमारी पुकार सुन रहे होंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महादेव आप भी अदृश्य हो गए। महादेव अदृश्य हो गए। महादेव भी अदृश्य हो गए। ओम महागणेशाय नमः। 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 महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवी पार्वती अपने ध्यान को विराम दें, आंखें खोलें। देवी पार्वती पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी गणेश के ना रहने से मेरा मन अशांत हो गया था, इसलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ चली आई। और तुम्हारा मन
अथवा कुमार कार्तिकेय का मन? गणेश के ना रहने से कुमार का मन विचलित है। मुझ में तो आपके संपर्क के कारण जनहित और लोक कल्याण के लिए विष धारण करने की शक्ति है, परंतु कुमार वो अभी एक मेरा बालक है, इसी कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तुमने उचित ही किया देवी। अशांत मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है परम देव श्री महागणेश की आराधना। स्वामी, परम देव की एक ऐसी विचित्र लीला है, एक ओर उन्होंने देवी अदिति के मन में गणेश को पुत्र रूप में पाने की कामना जगा दी है और दूसरी ओर स्वयं गणेश मुझसे ये कहकर गए हैं कि वे एक अन्य अवतार लेकर कैलाश लौट आएंगे। न जाने उस अवतार का समय कब आएगा, मैं कब तक अपने पुत्र के लिए यूं ही तड़पती रहूंगी। परम देव श्री महागणेश ने गणेश के माध्यम से वो सत्य कहलवाया है जो अब उनके अगले अवतार के रूप में घटित होगा। इस कारण उनकी बात पर आस्था रखते हुए कैलाश पर ही गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, गणेश को कैलाश में न पाकर मेरा मन कचोटने लगता है। पुत्र गणेश तुम्हारा प्रिय पुत्र है, ये सत्य हम भलीभांति जानते हैं, परंतु तनिक कुमार कार्तिकेय, नंदी, भृंगी और शिवगणों के परिवारों की तो चिंता करें, वे सब आप दोनों के वियोग से दुखी हो रहे हैं। देवी पार्वती, अब विलंब ना करें, हमारे साथ शीघ्र कैलाश चलें। जो आज्ञा स्वामी। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। पहाड़ आ गया है, देखा पहाड़ आ गया, वेरी गुड। एक जो त्रिशूल आ रहा है, त्रिशूल पे महागणेश बैठे हैं। गणेश जी स्वयं बैठे हैं छोटे से। ऑर्डर ऑर्डर, निकल जा फ्रेम से। हाँ, ढटके से देखते हैं, डर डर के ठीक आ रहा है, तो महागणेश बैठे हैं। हाँ, सीधा देख, सीधा घर मुड़ के देख, बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, भाग रहा है। तारकासुर के एकदम नजदीक पहुंच जाएगा तो गणेश जी को फेड आउट कर देना और त्रिशूल उसके पेट में घुस जाएगा। पेट में ओपन ओपन ओपन, त्रिशूल फाड़ के निकल जाएगा। गिरे 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 और आप नीचे गिरे। स्वयं
शंभो तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर